तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप सबका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गाइज इस वीडियो में मैं आपको एक फुटबॉल सेलिब्रिटी बनाने वाला हूं। मतलब गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 5 फुटबॉल गेम्स फॉर योर एंड्रॉइड डिवाइस। अभी मजा आएगा ना वीडियो। उसके साथ में गाइस आपको काफी शानदार ग्राफिक्स इसमें देखने को मिल जाती है। उसके साथ में आपके पास बहुत सारे कंट्रीज होने वाली जिनको आप लेके इस गेम में फुटबॉल प्ले करने वाले हो। सो गाइस, ओवरऑल गेम काफी ज्यादा शानदार होने वाले। और गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये गेम्स जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इनकी साइज भी कम है और ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा तगड़े देखने को मिल जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो या फिर गेम्स पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। समझ रहे हो आप? और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो 100% चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बिकॉज इन फ्यूचर आपको काफ़ी सारे नए नए गेम्स देखने को मिल जाएंगे। और गाइज, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। जब भी आप वीडियो को पूरा देखते मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाता, तो गाइज प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और गाइज, और भी ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हो, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमारे लिस्ट का 5th नंबर का गेम निकल के आता है फुटबॉल मास्टर 2। और गाइज, इस गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। इस गेम की साइज आपको अराउंड 530 MB के आसपास देखने को मिल जाएगी। इसकी डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी, तो आप लोगों को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो गाइज, अगर हम लोग इस गेम के बारे में बात करते हैं, इसमें काफ़ी शानदार ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। ओनली 530 MB के साइज में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाती है। उसके साथ में गाइज, आपको कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप आराम से यूज़ करते हो। और गाइज, इस गेम में आपकी खुद की टीम बना सकते हैं, आपको उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आपके बेस्ट प्लेयर आप चूज करके गेम को प्ले कर सकते हैं। गेम को प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, रियल टाइम प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ में गाइज, इस गेम में आपको काफ़ी सारे टूर्नामेंट देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे ट्रॉफीज देखने को मिल जाती है। तो गाइज, ओवरऑल गेम काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। सो गाइज, अगर आप फुटबॉल के लवर है तो आप इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और गाइज, ये गेम कोई भी लो एंड डिवाइस में भी वर्क करता है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो गाइज, इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करना, और मुझे ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये गेम कैसा लगा है। सो गाइज, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइज, हमारा लिस्ट का 4th नंबर का गेम निकल के आता है फीफा सॉकर। और गाइज, इस गेम की साइज आपको अराउंड 438 MB के आसपास देखने को मिल जाएगी। गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। सो गाइज, अगर हम लोग इस गेम के बारे में बात करें तो आपको इसमें काफ़ी शानदार ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। उसके साथ में गाइज, इसमें आपको मल्टीप्लेयर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गाइज, इस गेम में आप आपकी खुद की टीम बिल्ड कर सकते हो, मतलब आप आपके फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ इस गेम को प्ले कर सकते हो। और गाइज, इस गेम में आपको सभी चैंपियनशिप, लेटेस्ट वाली चैंपियनशिप भी देखने को मिल जाती है, बहुत सारे लीग्स देखने को मिल जाते हैं। और गाइज, सबसे बड़ी बात, इस गेम में आपको 50,000+ प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं, आप आपके कोई भी फेवरेट कैरेक्टर के साथ इस गेम को प्ले कर सकते हो। और गाइज, ये गेम एक और नया फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इस गेम को मल्टीप्लेयर का सपोर्ट होने की वजह से आप आपके फ्रेंड्स के टीम के साथ भी बैटल कर सकते हो, मतलब आपकी 11 vs 11 की टीम होने वाली है। और गाइज, गेम को प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो गाइज इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी शानदार गेम है। इसमें वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज देखने को मिल जाती है, जिसमें आप इस गेम को प्ले कर सकते हो। तो गाइज, इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करना, काफी शानदार है। और गाइज, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको गेम कैसा लगा है। सो गाइज, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइज, हमारे लिस्ट का 3rd नंबर का गेम निकल के आता है एक्सट्रीम फुटबॉल। और गाइज, ये गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। इस गेम की साइज आपको अराउंड 600 MB के आसपास देखने को मिल जाएगी। गेम काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। सो गाइज, अगर हम लोग इस गेम के बारे में बात करें तो इसमें आपको काफ़ी शानदार ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। लेकिन गाइज, इस गेम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होने वाला है। आप लोगों को इसमें कोई टूर्नामेंट देखने को नहीं मिलेगा, ये आपका लोकल फुटबॉल ग्राउंड होने वाला है। इसमें आप 1 vs 1 फुटबॉल कर सकते हो, 2 vs 2 का फुटबॉल मैच कर सकते हो, और 3 vs 3 का भी मैच कर सकते हो। और गाइज, इस गेम में आपको रैंक सिस्टम देखने को मिल जाती है, वो भी ग्लोबल रैंक सिस्टम देखने को मिल जाती है। मतलब आपका गेम का जैसे परफॉर्मेंस होने वाला है, वैसे आपकी रैंक आगे बढ़ते जाने वाली है। सो गाइज, ओवरऑल गेम काफ़ी ज़्यादा शानदार है। और गाइज, जैसे आप इस गेम में गोल करते हो, उसका जो एनिमेशन दिखाया गया ना, काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाया गया है। तो गाइज, इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी शानदार गेम है। आप लोगों को पूरा एक लोकल का फील आने वाला है, जैसे आप आपके फ्रेंड्स के साथ प्ले करते हैं, एज यूजुअल वैसा ही गेम होने वाला है। इसमें आपको मल्टीप्लेयर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप आपके फ्रेंड के साथ 1 vs 1 भी इस गेम में प्ले कर सकते हो। सो गाइज, ओवरऑल गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर गेम है, तो आप लोग इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना।
मुझे मालूम है आपको ये गेम्स जरूर पसंद आएगा। सो गाइज अगर आपको अब तक के गेम्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो गाइज इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम के। सो गाइज हमारे लिस्ट का जो सेकंड नंबर का गेम होने वाला है उस गेम को आप फुटबॉल का मॉन्स्टर कह सकते हो, क्योंकि उसके ग्राफिक्स के मामले में, उसके कंट्रोल्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। जिस गेम के बारे में बात कर रहा हूँ उस गेम का नाम होने वाला है DLS 21। और गाइज गेम काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है ये गेम। इस गेम के साथ आपको अराउंड 430 MB के आसपास देखने को मिल जाएगी। सो गाइज अगर हम लोग इस गेम के बारे में बात करें तो इस गेम में आपको 10+ चैंपियनशिप टूर्नामेंट देखने को मिल जाते हैं। और गाइज इसके ग्राफिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा तगड़े देखने को मिल जाते हैं, ऊपर से इसकी साइज़ के हिसाब से तो काफी अमेजिंग ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। और गाइज इस गेम में आपको ऑलमोस्ट आपके जो फेवरेट कैरेक्टर्स सभी के सभी कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। 4000+ कैरेक्टर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। इस गेम में आप रोनाल्डो, मेसी किसी भी प्लेयर के साथ आपकी टीम बिल्ड कर सकते हो, उसके साथ आप फिर प्ले कर सकते हो। सो गाइज इस गेम को प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और गाइज इस गेम का जो अगर आपने गोल कर दिया तो जो सेलिब्रेशन एनिमेशन है ना काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखाया गया है। तो गाइज इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अमेजिंग गेम होने वाला है। इस गेम में भी आपको नए नए सीजन्स देखने को, इस गेम में आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, उसके साथ में नए नए सीजन्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज इसके लिए इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको गेम कैसा लगा है। सो गाइज इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइज हमारे लिस्ट का फर्स्ट नंबर का गेम वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल गेम्स में गिना जाता है। सो गाइज उस गेम का नाम होने वाला है eFootball PS 21। और गाइज गेम काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। इस गेम की साइज़ आपको अराउंड 2.1 GB के आसपास देखने को मिल जाती है। गेम पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। सो गाइज अगर हम लोग इस गेम के ग्राफिक्स की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी शानदार कॉन्सोल लेवल के ग्राफिक्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ऊपर से इसके जो कंट्रोल्स है ना काफ़ी ज़्यादा इजी कंट्रोल्स दिए, तो आप लोगों को कंट्रोल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके साथ में गाइज इस गेम में आपको काफ़ी सारे टूर्नामेंट चैंपियनशिप देखने को मिल जाती है। आप लोगों को इसमें एक वीकली चैंपियनशिप भी देखने को मिल जाती है, जिससे आप आपकी खुद की टीम बना के उस चैंपियनशिप को विन कर सकते हो। सो गाइज गेम को प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। उसके साथ में आप लोगों को इस गेम में रोनाल्डो कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, मेसी कैरेक्टर देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप आपकी टीम में लेके आपकी टीम बिल्ड कर सकते हो। और गाइज सामने भी रियल टाइम प्लेयर्स होने वाले, तो मतलब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी गोल करने के लिए। लेकिन गाइज अगर आप लोगों ने गोल कर दिया या फिर आप लोग विक्ट्री हो गए तो आपके जो एनिमेशन दिखाए गए, सेलिब्रेशन एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिखाए गए। तो गाइज इस गेम को एक बार ज़रूर ट्राई करना, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल गेम्स है। और गाइज अगर आपको फुटबॉल गेम्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपको प्ले करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो इस गेम को मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि काफ़ी शानदार गेम होने वाला है। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो गाइज जिन जिन लोगों को फुटबॉल गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में कुछ और नए गेम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।